इस समय की वड्डी खबर सामने आ रही है। मोगा के डीसी कॉम्पलैक्स उपर आज़ादी दिहाड़े तो एक दिन पहला लहराया खालिस्तान का झंडा। मोगा के डीसी कॉम्पलैक्स उपर खालिस्तान का झंडा लहरा देने का मामला सामने आया है। इस मामले तो बाद पुलिस विच भज दौड़ मच गई है और पुलिस प्रशासन से कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दरअसल आज़ादी दिहाड़े तो एक दिन पहला मोगा के डीसी कॉम्पलैक्स के उपर अज सवेरे दो अणपछाते नौजवानों वालों तिरंगे झंडे को उतार के उसकी थां ते खालिस्तान का झंडा लहरा दिता गया। उक्त नौजवान तिरंगा झंडा भी अपने नाल लै गए। इस घटना की सूचना मिलदिया ही डिप्टी कमिश्नर मोगा संदीप हंस ते जिला पुलिस मुखी हरमनबीर सिंह गिल ते प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे ते मामले की जांच कर रहे ने। नौजवानों की गिरफ्तारी लिए छापेमारी करन दे नाल नाल शहर च नाकेबंदी भी कर दी गई है। इस दौरान मोगा विच आजादी दिवस तो एक दिन पहला शरारतियों वालों की गई इस कार्रवाई करके चारे पासे दहशत का माहौल है। इस दे नाल खुफिया तंत्र ते भी सवालिया निशान उठ रहे हैं कि इस तरह की वड्डी कार्रवाई किवें कर दी गई। दस दिए कि सिख फॉर जस्टिस की 15 अगस्त को लैके मिल रही धमकियों के मद्देनज़र सूबा पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में सिख फॉर जस्टिस ने 14, 15 ते 16 अगस्त को लाल किले ते खालिस्तान का झंडा लहराने वाले नू 1,25,000 डॉलर देने का ऐलान किया है। देखते रहो विरसा लाइव टीवी। धन्यवाद।